हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इनहाउस रेसिपीज। आज मैं आपको एक सर्दियों की डिश बताने वाली हूँ जो कि गुड़ से बनने वाली है। आप इसे गर्मियों में भी खा सकते हैं, लेकिन इसमें गुड़ यूज हो रहा है तो इसे मैं सर्दियों की रेसिपी कहूंगी। तो ये है गुड़ इडली। तो आज ये एक स्नैक है जिसे आप कभी भी बनाकर खा सकते हैं, चाहे तो सुबह के नाश्ते में, चाहे तो शाम के नाश्ते में। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। गुड़ की इडली बनाने के लिए मैंने लिए हैं चावल जो कि है आधा कप, गुड़ जो कि है अगेन आधा कप, पौना कप चिड़वा लिया है मैंने जिसे पानी में भिगाकर उसे 10 मिनट के लिए अलग से रख दिया है छानकर, पौना कप दही, पौना कप दूध लिया है। इसे हम इडली की कंसिस्टेंसी मिक्सचर की देखते हुए उस हिसाब से डालेंगे। 4 टीस्पून कसा हुआ नारियल, 10 किशमिश और 5 काजू बारीक कटे हुए और 2 पिंच पिसी हुई इलायची, साथ ही 2 पिंच नमक। अब सबसे पहले एक बोल में हम अपने राइस डालकर उन्हें पानी में भिगा देंगे 3 घंटे के लिए और एक तरफ रख देंगे। 3 घंटे हो गए हैं चावलों को पानी में भीगते हुए। अब पानी को चावलों से अलग कर देंगे और बिना पानी के अब इन चावलों को पीस लेंगे बिल्कुल बारीक। ये लीजिए, हमने चावलों को पीस लिया है और ये काफी पाउडर जैसा बन गया है क्योंकि हमने इसमें पानी नहीं डाला था। अब ग्राइंडर के जार में हमें अपना गुड़ डालना है, साथ ही चिड़वा जो हमने पानी में भिगाकर निकाल लिया था और उसके साथ कसा हुआ नारियल, इन्हें डालकर अब हमें इन्हें ग्राइंड करना है और एक पेस्ट बनाना है। ये देखिए, हमारा गुड़, चिड़वा और नारियल का पेस्ट कुछ इस तरह का नजर आएगा। अब एक बड़े बाउल में अपना नारियल का पेस्ट डालें, साथ ही चावल का जो हमने उन्हें पीस लिया था वो पेस्ट डालना है, दही ऐड करना है इसमें, साथ ही नमक डालना है अपना इसमें और थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसे मिक्स करना है। हमारे इडली मिक्सचर की जो कंसिस्टेंसी है वो ड्रॉपिंग होनी चाहिए, देखिए इस तरह से। तो इसमें दूध की क्वांटिटी, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, एक साथ सारा दूध हमें नहीं डालना है, तो इसमें मैंने 1/4 कप से भी आधा, 1/4 कप का आधा दूध मैंने इसमें यूज़ किया है, यानी कि 3 टीस्पून आप कह सकते हैं, और उससे हमारी ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी आ गई है। तो हमारा मिक्सचर तैयार है। अब आप इसे कवर करके 10 से 12 घंटे के लिए एक तरफ रख दें। अगर आप सर्दियों में ये इडली बना रहे हैं तो आप इसे किसी वार्म कपड़े में लपेट कर एक तरफ रखिए, तो इसमें जल्दी खमीर उठेगा। अदरवाइज आप इसे गर्मियों में कहीं पर भी रख सकते हैं, किचन में या कहीं भी रख सकते हैं। ये देखिए, 10 घंटे के बाद इसमें हमारे मिक्सचर में इडली के खमीर उठ चुका है और इसको आप स्मेल भी कर सकते हैं। इसमें दही की थोड़ी खट्टी खट्टी स्मेल आ रही है और देखने से भी ये थोड़ा, इसकी जो दानेदार ये दिखाई दे रही है, इसकी स्किन जैसे इसको पलट रहे हैं, तो इसमें खमीर उठ चुका है। अब हमें इसमें काजू और किशमिश को मिक्स करना है और साथ ही इलायची पाउडर को डालना है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये सभी चीज़ें मिक्सचर में अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर आप देखें कि आपका जो मिक्सचर है वो थोड़ा थिक हो गया है, बहुत गाढ़ा है, तो आप इसमें जो दूध है वो 2-3 चम्मच दूध डालकर इसे ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी में, देखिए इस तरह ला सकते हैं, थोड़ा पतला कर सकते हैं। अब हमें इडली को बनाने के लिए इडली स्टैंड चाहिए, तो आपने एक बड़ा बर्तन लेना है जिसका फेस, जो मुंह है वो इतना बड़ा हो जिसमें कि आपका इडली स्टैंड इजीली अंदर जा सके। कुकर में मैंने पानी फिल किया है, इतना पानी आपने फिल करना है जो इडली का जो स्टैंड है वो, इडली के जो ये बने हुए हैं गोल गोल इडली डालने के लिए, ये पानी में ना डूबे लेकिन बाकी हिस्सा वहाँ आ जाए और स्टीम जो है वो इडली को लगे और वो पक जाए, इतना आपने उसमें पानी डालना है। मैंने 300 ml के करीब इसमें पानी डाला है। हाई फ्लेम पर हमें इसे रखना है और गर्म करना है। अब हमें सबसे पहले इडली के जो ये स्टैंड में थोड़ा थोड़ा ऑयल डालकर इसे
ऑयल से ग्रीस करना है ताकि इडली इसमें जब बनाएं तो चिपके नहीं। ग्रीस करने के बाद अब हमारा जो मिक्सचर है इडली का उसे हमने इन चारों में डालना है। काफ़ी ऊपर तक फिल नहीं करना है, अदरवाइज अच्छी इडली नहीं बनेगी। पानी गर्म हो चुका है तेज़, इसे हमने अप्रॉक्सीमेटली हाई फ्लेम पर 2 मिनट्स के लिए गर्म किया है। अब इसमें अपना इडली का स्टैंड रखेंगे और इसे कवर कर देंगे लिड से। इसे हमने 20 मिनट्स के लिए हाई फ्लेम पर ही पकाना है। ये ध्यान रखें कि पानी ख़त्म ना हो जाए। आप लिड को हटाकर देख सकते हैं कि पानी कहीं ख़त्म ना हो गया हो, अगेन आप साइड से पानी इसमें फिल कर सकते हैं। आप ध्यान रखें कि आपने कुकर के ऊपर वेट नहीं लगाना है एक तो विसल, और इसे पूरा बंद नहीं करना है, इसको बस स्टीम देनी है तो सिर्फ कवर करेंगे लिड के साथ। 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम स्टोव को बंद कर देंगे। चेक करेंगे कि हमारी इडली बनी है अच्छे से या नहीं। आप एक नाइफ लेंगे और उसे इसमें डालकर देखेंगे, अगर ये चिपचिपा आपको लगता है तो दैट मीन्स इडली नहीं बनी है। अगर आपका जो नाइफ है वो बिल्कुल ठीक है, क्लीन है, और जो आपकी इडली निकली है वो चिपचिपी नहीं है, सो आपकी इडली खाने के लिए तैयार है। इडली को निकालने के लिए, क्योंकि हमारा स्टैंड गर्म है, इसे आप कपड़े से पकड़ेंगे और नाइफ की हेल्प के साथ आप साइड से इसको इस तरह से ऐसे अलग करेंगे और आपकी इडली देखिए इस तरह बाहर आ गई है। लीजिए, गर्मा गर्म इडली खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब आप इसे चटनी के साथ, सॉस के साथ या सांभर के साथ खाकर इसका आनंद ले सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स ये गुड़ इडली आपको पसंद आएगी, आप इसे बनाएंगे और सबके साथ खाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद इन हाउस रेसिपीज।